मदारी बनके डुगडुगी बजाता हूँ खुद को और अपने परिवार को रोटी खिलाने के लिए, और ये बोझ घसीटता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैंने चाहता फिर से कोई बिरजू मदारी बन जाए। आप अनीता देवी, वो साइकिल पे मेरा मतलब क्लासिकल डांस करने वाली डुगडुगी वाले के घर में? अरे बिट्टू मेरा चादर लेकर मैं बाहर सोता हूँ। लेकिन आप वही तुम हो ना बॉबी? तुम्हारे डैडी काम क्या करते? हमारे डैडी सड़कों पर तमाशा दिखाते हैं, नाचते और गाते। अनीता देवी है घर में? बेटी अच्छा हुआ जो तू आज हमें मिल गई। तुझे क्या बताऊं कि तेरे बगैर हमारा घर कितना सूना हो गया था। ना मेरी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र। अब कौन सा रिश्ता लेकर आया हूँ यहाँ? मैं कहती हूँ चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। तो क्या उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी? नहीं माँ, ये समस्या उंगलियों से नहीं, अनीता की गर्दन मरोड़ने से ही हल हो सकती है। देख मदारी, तूने अगर वो लड़की हमारे हवाले ना की तो तू और तेरा सारा परिवार कुत्ते की मौत मारा जाएगा। मैं दस्तक गिनूंगा। एक, बिरजू, बिरजू मुझे जाने दो। तुम चार जिंदगियों की कीमत मेरी एक जान से कहीं ज्यादा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम सब खतरे का निशान। बकवास मत करो, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो और मैं इस परिवार का रखवाला हूं।